सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? आज नौचंदी जुमरात है, मैं उनको खाना देना कैसे भूल गई? कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसके होने का एहसास जिंदगी भर डराता रहता है। मेरी नानी जान कुछ कहानियां सुनाया करती थी। मेरी नानी जान कहती थी कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्नातों को आग से बनाया है। जिन्नात अपनी दुनिया कब्रिस्तान और वीरानों में बनाने लगे। इंसानों को अपनी दुनिया में दाखिल होते हुए देख जिन्नातों ने अपने होने का वजूद हम इंसानों को दिखाना शुरू कर दिया। उनकी गलती की सज़ा मुझे ऐसी भुगतनी पड़ी कि आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 10 साल पहले की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। बस कीजिए बेगम, और कितना इंतजार। जानती हो, आज भी तुम्हारी इन चूड़ियों की आवाज हमारे दिल की धड़कने बढ़ा देती है। अरे क्या कर रहे हैं, देखिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई देख लेगा। अरे तो देखने दो, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, अपनी बेगम से प्यार कर रहे हैं। और वैसे भी अभी जा रहा हूं और कल शाम तक आऊंगा, फिर मत कहना कि तुम्हारी याद आए। चलिए बेगम साहिबा, हमें हमारा तोहफा दीजिए। अरे अम्मी का फोन है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? असलम हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको बताया होगा ना कि मकान के इस हिस्से में औरतों को आना मना है। हाँ हजन बुआ, वो बस हम फोन पे बात करते कर। और ये क्या, आपने खुशबू लगा रखी है, बाल भी खुले रखे हैं। आपको पता है नई नवेली दुल्हन का इस तरह घर में घूमना ठीक नहीं है।
आप जाइए अपने कमरे में, हम ध्यान रखेंगे अजन को। लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पे? कुछ कुछ नहीं, वो मिर्जा खानदान में शुरू से ऐसे ही चला रहा है। आप जाइए यहाँ से। आप गई नहीं अभी तक? जाइए यहाँ से। सायरा बेटा कहाँ हो? बात बताइए अम्मी, नीचे वाले कमरे में क्या है? वो हजन बुआ वहाँ पे कुछ लेके जा रही थी, हमें ऐसा लगा कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। वो कोठरी है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल जाइए अपने कमरे में जाइए, असलम इंतजार कर रहा होगा। असलम, वो घर के पिछले हिस्से में जो कोठरी है वहाँ कोई रहता है क्या? अभी मुझे देरी हो रही है, आने के बाद ये सारी बातें करेंगे। नहीं नहीं, आप पहले बताइए ना, आप नहीं बताएंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए फिर जाइएगा। बताइए। ठीक है, बैठो। हमारी दादी जान का कहना था कि उस कोठरी में एक काला साया रहता है, और वो साया किसी को परेशान ना करे, इसीलिए हर नौचंदी जुए रात को उसे खाना दिया जाता है, ताकि वो भी शांत रहे और हमें भी सुकून से रहने दे। और ये सिलसिला कई सालों से हमारे खानदान में चलता आ रहा है। पहले हमारी दादी जान ये करती थी, और अब हमारी नौकरानी हाजिन ये काम करती हैं। वैसे मुझसे पूछो तो मैं इन सब में यकीन नहीं करता, पर अब उन्हें ये सब करके खुशी मिलती है तो
इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। साया, और तुम लोग ये सब मानते हो? मैंने कहा ना नहीं, पर सालों से खानदान में ये सिलसिला चलता आ रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कहता। लेकिन असलम, वहां सिर्फ औरतों का ही जाना क्यों मना है? ये सारी बातें तुम्हें आने के बाद बताऊंगा, अभी मुझे देरी हो रही है, अभी मुझे जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाबी, चाबी किधर गई? या अल्लाह, सारा, सारा दरवाजा खोलिए, सारा, सारा दरवाजा खोलिए, सारा।
और अब वहां पे वो नहीं है। क्या बात कर रही है अजन भी? कहां गई वो? या अल्लाह रहम, पूरे घर में डूब गए। हां चलिए चलिए, यहां भी नहीं है। हाय अल्लाह, कहां गई मेरी बच्ची? अजन भी मिली सायरा? कहीं नहीं मिली, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हाय अल्लाह, जिसका डर था वही हुआ। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, मैं पीर बाबा को बुला कर लाती हूँ, वही कुछ करेंगे। सायरा वो यहीं पे थी, जिनने मुझे धक्का मार के बाहर भगा दिया। मैंने वापस आके देखा, यहाँ पे सायरा वो नहीं थी। यहाँ तो खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, फिर इस बंद कोठरी से हमारी बहू गई कहाँ? ठहरो, अब हम आ गए यहाँ, सब पता चल जाएगा। कपूर और केवड़े से सनी मिट्टी किसी ताजी कब्र की पता लगती है। अजन भी हमारे साथ चलो। हो गया है इस पर, बहुत ताकतवर है वो, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। खुदा के वास्ते कुछ भी कीजिए बाबा, हमारी बहू को उस जिन्नात के चुंगल से बचाइए, इसकी हिफाजत कीजिए। मुझे उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी, अभी मैं ये ताबीज दे रहा हूं। ये उसके गले में डाल देना, जब तक ये उसके गले में रहेगा कोई बुरा साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह। सायरा, सायरा, सायरा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। कुछ नहीं होगा, आप हमसे वादा करिए कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। कुछ क्या? मुझे चुप रहा है बहुत। ये ताबीज अमीजान ने बताया हमें, पीर बाबा आए थे और उन्होंने तुम्हारे गल में ही बांधा है। सांसें रुक रही है इससे, बहुत जोर से बांधा हुआ है, आप इसे खोल के थोड़ा ढीला बांध दे। पानी मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ
सायरा असलम सायरा तुम वो यही है दरवाजा खोलो सारा दरवाजा खोलो सारा तावीज पहन लो जीन तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा सारा बेटा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलिए बहू सारा बेटा दरवाजा खोलिए सारा कुछ हो रहा है बहू सारा बहू दरवाजा खोलो दरवाजा खोलिए बहू सारा बेटा बाबा ने सही कहा था उस जिन्ने जिन्ने हमारी बहू पे कब्जा कर लिया सायरा सायरा उठो सायरा अब वो इसे मेरे बाबा मेरे बाबा मैंने घर के पिछले हिस्से पर पूरी बंदिश कर दी है आओ अब आगे की ओर चलें। असलम और उसकी अम्मी को भी लेकर आइएगा जी मैंने पूरे घर की बंदिश कर दी है अब कोई भी जिन इस बंदिश को तोड़कर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता लेकिन एक बात याद रखना उसने अभी भी सायरा का पीछा नहीं छोड़ा उसको हमेशा के लिए सायरा से दूर करना होगा और ये काम नौ चंदी जुमेरात को ही होगा तब तक ये लकीर के बाहर बहु जाने ना पाए हक कल्ला हक कल्ला हक कल्ला Thank you.
असलम, असलम रुको। असलम बेटा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। असलम, असलम रुको। डरी हुई क्यों? असलम वो अंदर कोई है। आप कोई नहीं है अंदर, आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो आप असलम? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। गजरा, तुम्हारे बालों में कितना अच्छा लगेगा। असलम छोड़िए, हमें नहीं चाहिए ये सब। ये हार तुम पर बहुत अच्छा लगता है सायरा। मैं चाहता हूं तुमसे हमेशा पहन कर रखो। असलम क्या हो गया आपको? ये देखो, मैं तुम्हारे इत्र लेकर आया हूँ। असलम, ये कैसा इत्र है? असलम, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। क्या आप नहीं जानते कि घर में कैसा माहौल है? हजन बुआ की मौत का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है? जो चला गया उसे भूल जाओ, और जो तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने है, उसका ख्याल करो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सायरा। चलो मेरे साथ आओ। छोड़ो मुझे। मतलब छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत कमजोरी लग रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है हम ना जाने कब से नहीं सोए। हमें बहुत नींद आ रही है असलम, आप हमें सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? सुला दूंगा सायरा, बहुत जल्द। Thank you.
सायरा बेटा ये लो, एक घूंट पानी पी लो बिस्मिल्लाह बोलकर। इसमें मैंने दुआ पढ़कर फूकी है, इससे हर शैतानी साया तुमसे दूर रहेगा। असलम बेटा लो, तुम भी पी लो। रख दो, बाद में पी लूंगा। क्या हुआ असलम? बेटा तुम देख रहे हो घर का माहौल कैसा है, पी लो, इससे तुम हर शैतानी साए से महफूज रहोगे। लो। मैंने कहा ना बाद में लूंगा। अरे क्या हो गया इसे? न जाने अम्मी, कुछ दिनों से ऐसे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये मिट्टी कैसी है यहाँ पर? ऐसी मिट्टी तो अक्सर यहाँ होती है अम्मी, और एक अजीब सी महक भी, न जाने किस चीज की महक है वो। कपूर और केवड़े से सनी मिट्टी किसी ताजी कब्र की पता लगती है। मैं अभी आती हूँ। कुरान शरीफ कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। कौन ले? जब जिन्नात घर में कुछ बुरा करना चाहते हैं तो घर में रखे अल्लाह के कलाम को हटा देते हैं। या अल्लाह, हम सब की हिफाजत करना। मेरा शक सही है, उस जिन्नात ने मेरे बेटे के जिस्म पर कब्जा कर लिया है, तभी इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही है। असलम, ये तो अम्मी, अम्मी के चिल्लाने की आवाज है। असलम, असलम, क्या हो रहा है? अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे कौन दूर करना चाहेगा? और ये तुमने अम्मी के चीखने की आवाज सुनी? क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? बताइए। सब ठीक। असलम, ये सब आप क्या कर रहे हैं? और अम्मी कहाँ हैं? हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं।
हमें बहुत डर लग रहा है असलम, आपने हमें ये दुल्हन का लिबास क्यों पहनाया है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सायरा, और आज रात मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं असलम, हमारा निकाह तो हो चुका है। और तुम्हें अपना मन पसंदीदा खाना भी खिलाऊंगा। असलम, 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 कौन हो तुम? हमारे असलम नहीं, छोड़ो हमें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सायरा, और तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को संभाल कर रखूंगा। छोड़ो हमें। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक जा जिन्नात। छोड़ दे से, अब भी वक्त है, वरना बहुत पछताएगा। साया मेरी है और मुझे उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। हम अपने इस जिस्म को चलाकर राख कर देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। छोड़ो इन्हें। Yeah!
असलम, 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 असलम उठिए, उठिए, असलम, असलम उठिए। सारा, सारा। सही वक्त पे सारा ने आग लगाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की तरकीब न सोची होती तो जीन उसे अपनी दुनिया में लेकर चला गया होता। मैं सारा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो घर छोड़कर मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। वैसे आप लोगों से एक विनती है कि जो गलती हमारे बुजुर्गों ने करी है उसे आप लोग बिल्कुल मत दोहराएं।